आज हम करेंगे पाठ लहासा की ओर। इस पाठ को बहुत यूनिक तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इतना ही नहीं साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन यानी लेखक सन 1929-30 में एक यात्रा करके आए थे। वो यात्रा थी तिब्बत की। तिब्बत की उनकी वो पहली यात्रा थी और उन्होंने जो वहां पर अनुभव किया, जो वहां पर देखा, वहां का समाज क्या था, कैसा था, वो सारी चीजें के बारे में इस पाठ में वर्णन है। एक बात और बता देता हूं कि उस समय यानी 1929-30 में तिब्बत में जाने की अनुमति थी ही नहीं किसी भी भारतीय की, यानी भारतीयों को जाने ही नहीं दिया जाता था, कोई अनुमति नहीं थी। तो फिर वो लेखक कैसे पहुंचे? दरअसल उनके साथ उनका ही एक मित्र जो वहां के आसपास का ही रहने वाला था, उनका नाम था सुमति। सुमति उनके साथ था, उनके साथ गया था, तो इसीलिए तिब्बत में एंट्री हो गई। दूसरी बात, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, दूसरी बात उन्होंने जो वेशभूषा धारण की, किन्होंने? लेखक ने और लेखक के दोस्त ने। उन्होंने जो वेशभूषा धारण की वो एक भिखमंगे के वेश में धारण की। क्यों? क्योंकि दरअसल वहां का जो रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक था, मतलब डाकू लुटेरे वहां पर आम हुआ करते थे और जो भी राहगीर उनको दिखता वो उनको पहले मारते थे, बाद में देखते थे कि कुछ सामान है या नहीं। तो कहने का मतलब बहुत खतरनाक एरिया था, इसीलिए भिखमंगे के वेश में उन्होंने ये यात्रा की। तो उस समय का वहां का समाज कैसा था, वहां किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से वहां खतरा बना रहता था और वहां के रास्ते कितने बीहड़ थे, कितने खतरनाक थे, ये सारी बातें इस पूरे पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। पहले पाठ के नाम का अर्थ, लहासा की ओर। लहासा का मतलब क्या है? दरअसल तिब्बत की राजधानी का नाम है लहासा। तो वहां वो गए थे और उनके रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई वो पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ से शुरू कर रहा हूं। पहले पैराग्राफ में क्या बताया है पहले आप सुन लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा। देखो बच्चों, यहां लेखक शुरुआत करता है कि हम जिस रास्ते से गए वो नेपाल का रास्ता था, यानी नेपाल से होते हुए हम लहासा की ओर निकल रहे थे। तो उस रास्ते से जब वो जा रहे थे तो वहां बहुत से ऐसे किले थे जो अब पूरी तरीके से छोड़ दिए गए। किसके द्वारा? जो कभी किसी टाइम पर चीनी लोग रहते थे, यानी चीन के लोग रहते थे, वो अब छोड़कर जा चुके हैं। हाँ, कुछ एरिया ऐसा उनको मिला जहां कुछ किसान रहते हैं, यानी वहां कुछ आबाद सा दिखाई दिया, अदरवाइज बहुत एकांत स्थान से वो जा रहे थे। लेकिन जहां उनको कुछ लोग दिखाई दिए, जहां कुछ लोग रह रहे थे, वहां उन्होंने पड़ाव लिया, यानी थोड़ी देर के लिए वहां वो रुके, वहां उन्होंने चाय भी पी। यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया लेखक ने कि उस समय वहां का जो समाज था ऐसा था कि आप अपरिचित क्यों ना हो, मतलब आपसे कोई जान पहचान बिल्कुल भी नहीं हो, तो भी आपके साथ वो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वो आपको बहुत पहले से जानते हो। आप उनके घर के अंदर जा सकते हो, आराम से आप खुद भी चाय बनाकर पी सकते हो, वो उनके लिए ये नॉर्मल बात है, उनके लिए कोई अजीब चीज नहीं होगी। हाँ, कुछ ऐसे बहुत निम्न श्रेणी के, यानी बहुत नीची दर्जे के जो भिखमंगे होते हैं, उनको वो नहीं जाने देते ताकि कहीं चोरी चारी ना हो जाए, बस इसी बात का उनको डर होता है। अदरवाइज आप उनके घर के अंदर चले जाएं, चाय खुद बना ली या उनको कह दें, वो आपको आपके लिए बना देंगे। अब ऐसा ही कुछ हम यहां पर इस पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, यानी नेपाल की ओर से जाने का वो पहला रास्ता था और अच्छा रास्ता था, मेन रोड था। फ्री क्लिक पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, है ना, किसी टाइम की बात हो रही है, यानी ये सन 1929-30 के आसपास की बात है। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था किसी टाइम पर, इसीलिए यानी व्यापार तो होता ही था, साथ साथ सैनिकों का आवागमन भी इसी रास्ते से होता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जो आप देख लेंगे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी किसी टाइम पर चीनी लोग वहां रहते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग का मतलब होता है किला। किले के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी वहां कुछ लोग रह रहे हैं, वो लोग किसान लोग हैं जो वहां पर उस जगह को आबाद किए हुए हैं, बाकी तो सब खाली हो चुका है। ऐसा ही प्रत्यक्त यानी पूरी तरीके से जिसे छोड़ दिया हो, यहां किसकी बात हो रही है, यहां एक किले की बात हो रही है। ऐसा ही एक प्रत्यक्त एक चीनी किला था, हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और
कुछ आराम की बातें भी हैं, अब मतलब कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है, यानी अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वहां जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं है, मतलब कोई इस तरह की बात नहीं रखता कि जाति छोटी है, इसकी अच्छी है, ये बुरा है, ये छुआछूत है, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। उस समय के समाज भी ऐसा था देखो। और न औरतें पर्दा ही करती हैं, मतलब ऐसा कोई घूंघट पर्दा भी नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी यानी बहुत छोटी जाति के जो भिखमंगे होते हैं, जाति नहीं, बहुत निम्न श्रेणी यानी बहुत ही बुरी स्थिति वाले भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मतलब अगर आप बहुत निम्न श्रेणी भिखमंगे के वेश में नहीं है तो आप बिल्कुल घर के अंदर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, आप उनको जानते भी नहीं हो तो भी आप चले जाएं, उनके लिए कोई अजीब बात नहीं होगी। तब भी घर की बहू या सासू को, यानी वहां की जो लेडी है, जो भी उस घर में लेडी रहती हैं, या बहू हो या सासू हो, उनको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। चाय दे दीजिए, वह आपके लिए पका देगी, यानी आपके लिए वो चाय बना देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, यानी कुछ खाद्य पदार्थ दे दीजिए, वह आपको चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना देगी। मतलब उसको वो और अच्छे से दूध वाली चाय का जो रंग होता है वैसा रंग की वो चाय बनाकर दे देगी। और इतना ही नहीं, वो देगी कैसे, कैसे परोसेगी, मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, जिसको आप केतली कहते हो, केतली में वो एक कुप्पी सी होती है, कुप्पी नहीं, एक नली टाइप से होती है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो उसको टोटीदार बर्तन कहते हैं, टोटी होती है उसमें, एक तरह की टूटी जिसको आप बोलते हैं, तो वो टूटी लगी होती है, तो टोटीदार बर्तन में रख के आपको परोस कर दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, मतलब जहां चाय बन रही है और आप कहीं और बैठे हैं और आपको डर है कि शायद हमारा जो खाद्य पदार्थ है, चाय है, मक्खन है, सोडा है, ये सारा हमारी चाय में नहीं डलेगा, तो आपको अगर ऐसा डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं, मतलब आप खुद भी चले जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है, ये एक तरीका है एक चाय को पीने। बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले लेखक का नाम मैंने बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें अनुमति पत्र दिखाना पड़ा, यानी कि उनको, उनके पास एक मजिस्ट्रेट का एक अनुमति पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि इनको जाने दिया जाए, यानी इनको रोका ना जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो जब एक आदमी आया चेकिंग के दौरान, कस्टम अधिकारी रहा होगा, उसको वो दोनों चिट यानी दोनों पत्र देने पड़े। दोनों किसके, एक तो लेखक खुद था और एक उसके एक मित्र था, सुमति। सुमति है कौन, सुमति रास्ते में ही उसको मिला था, या यूं कह लो कि रास्ते में यात्रा के दौरान ही उसका एक दोस्त बन गया था, नाम था सुमति, वो शायद नेपाल साइड का ही था। तो अब लेखक ये बताता है कि उस टाइम यानी जब हम पहुंचे वहां पर, तो हमें भिखमंगे के वेश में होते हुए भी एक बहुत अच्छी ठहरने की स्थान मिला, ठहरने का बहुत अच्छी जगह मिली। लेकिन उसके 5 साल बाद मैंने फिर से यात्रा की थी, यानी लगभग 1929-30 में उन्होंने पहली यात्रा की थी, उसके 5 साल बाद लगभग 34-35 के आसपास उन्होंने दोबारा यात्रा की थी तिब्बत की। उस टाइम इतनी अच्छी वेशभूषा थी, यानी फुल भद्र वेश में थे, यानी जेंटलमैन बनकर गए थे, लेकिन फिर भी ठहरने के लिए उनको अच्छी जगह नहीं मिली। कारण यही था, एक कारण तो यही था कि सुमति पहली बार साथ था और वहां पर वो बहुत से लोगों को जानता था, जिसकी वजह से उनको भिखारी के वेश में होते हुए भी बहुत अच्छा स्थान मिला। दूसरी बार जब गए वो, तो वो बेशक जेंटलमैन बनकर गए थे, लेकिन उनके वहां जान पहचान का कोई भी नहीं था, इसीलिए उनको अच्छी ठहरने की जगह नहीं मिल पाई। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ देखिएगा। प्रत्यक्त अभी भी मैंने बताया था, यानी पूरी तरीके से जिसको छोड़ दिया वो। ऐसे चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है, मजिस्ट्रेट का हाथ से लिखा हुआ, उनके पास एक प्रवेश पत्र था, यानी एक परमिट था जो उन्होंने उनको उसको दे दिया। वही लिखा हुआ है, हमने वह दोनों चिटें, चिट यानी वो जो पर्ची थी, वो चिट दे दी। शायद उसी दिन हम थोलना एक स्थान का नाम है कि पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, यानी इसी रास्ते से वापस भी आए थे जब कभी आए थे, और भिखमंगे नहीं थे उस टाइम, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह ही नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ ऐसा, मतलब वो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा शायद उस टाइम की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है, यानी उस टाइम का माहौल, एटमॉस्फेयर क्या रहा होगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है। शायद बहुत, हम जब आए थे उस टाइम तो वो शाम हो चुकी थी, शाम हो गई थी, तो वहां शाम को लोग
बहुत ज्यादा नशा करते हैं, नशे में वो धुत होकर कहां वो किसी को ठहरने के लिए पूछते, इसीलिए हमें वो जो जगह नहीं मिली शायद एक कारण ये भी रहा हो। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, यानी स्वभाव पर, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, नशा पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी अपने आप को वो ठीक रखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं शाम के समय। अब हमें सबसे विकट डांडा थुनला पार करना था। डांडा थुनला एक जगह का नाम है, उस डांडे बहुत खतरनाक है, वो सबसे खतरनाक वहां के जो स्थान है वो डांडा ही है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, 16-17 हजार फीट। बच्चों अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं जो सबसे खतरनाक है तिब्बत में। क्यों है खतरनाक? दरअसल तिब्बत का एक ऐसा गांव, ऐसा स्थान जहां दूर दूर तक कोई ठहरने का स्थान ही नहीं है, कोई गांव नहीं है बहुत दूर दूर तक। तो ऐसे एकांत स्थान में बहुत खतरा रहता है और डाकू और लुटेरों के लिए तो यह बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक कोई है ही नहीं, तो जब भी कोई यात्री इसी रास्ते जब सफर करता है, कोई और रास्ता तो है नहीं, इसी रास्ते जब वो सफर करता है तो डाकू लुटेरे पहले उनको मारते हैं, मारने के बाद फिर देखते हैं कुछ चीजें मिल जाएं, यानी कुछ पैसा, कुछ धन, कोई आभूषण, कुछ भी ऐसा कुछ मिल जाए। तो ऐसा माहौल है वहां पर, इसीलिए सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है डांडा, तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। अब वो डाकू क्यों मारते हैं? दरअसल मारते इसीलिए हैं क्योंकि अगर लूट कर उनको छोड़ दिया जाए तो वो आगे जाकर बता देगा कि वहां पर डाकू छुपे हुए हैं, लुटेरे थे, मेरा सारा सामान लूट लिया, तो वहां पर उनको खतरा हो सकता है डाकुओं को। इसीलिए वो जो भी उनको मिलता है वो अगर लूट लेते हैं किसी को तो वो उनको छोड़ते नहीं है, मार ही देते हैं। और दूसरी तरफ लेखक ने जब ये यात्रा की तो भिखमंगे के वेश में यात्रा की थी, जैसा मैंने बताया, तो भिखारियों से वो क्या लूटते, इसीलिए उन्होंने भिखमंगे के वेश में ऐसा काम किया, वो यात्रा की। तो यही बात लिखी हुई है, देखो। अब हमें यहां से पढ़ रहा हूं, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक, मतलब दूर दूर तक कोई गांव गिराव ही नहीं है, कोई ठहरने का स्थान नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, मतलब वो मोड़ आ जाते हैं ना तो दूर दूर तक तो आदमी ही नहीं देख पाते हम, क्योंकि मोड़ है, कट है। तो डाकू के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, मतलब कोई गांव में आकर कोई खून कर दे, तब तो फिर भी खूनी को सजा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि गांव में और भी तो लोग हैं देखने वाले, वहां तो कोई देखने वाला भी तो नहीं है किसने मारा, क्यों मारा, वगैरह वगैरह। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। क्यों नहीं खर्च करती? दरअसल वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, मतलब कोई गवाह तो नहीं है जो उन डाकुओं को सजा दिला सके कि हां हमने देखा था, ऐसा कोई गवाह भी तो नहीं मिलता, क्योंकि एकांत है और जो दिखता है वो उनको मार देते हैं। चलिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, देखो आगे। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहां लाठी की तरह, वहां पर कोई हथियार का कानून नहीं है कि आपको हथियार रखना है नहीं रखना है, आप बेशक रखिए, उसका कोई कानून नहीं है, उस टाइम नहीं था। यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, बस इसी बात को लेकर कि अगर हमारे ऊपर कोई खतरा हो तो हम इसका इस्तेमाल कर ले। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा रहता है, वो मैंने आपको बताई दिया क्यों कैसे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थुंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, अब हम हमारे जो वेशभूषा थी ना, हम खून को देखकर यानी कि किसी का कत्ल हुआ है इतनी हम परवाह नहीं करेंगे, ऐसा हमारी वेशभूषा ही बता रही थी। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, मतलब ऐसा कुछ हमें डाउटफुल लगता तो हम टोपी उतारकर एक्टिंग करने लगते थे, टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची यानी दया दया एक पैसा ऐसा कहते हुए भीख मांगने लग जाते, है ना। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। अब एक बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी, लगभग उनको 16-17 मील हो गया, लगभग 26-27 किलोमीटर, लगभग शायद इससे भी ज्यादा, तो 26-27 किलोमीटर उनको एक ऊंचाई पर चढ़ना था और उनके पास बोझा भी था, यानी बोझ था। मैंने सुमति से कहा कि यहां से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, मतलब अब लेखक कह रहा है कि इतना ऊंचाई पर हमें जाना है और वजन हमारे पास पहले से ही है इतना, मतलब बैग वगैरह रखे हुए हैं, तो क्या हम घोड़े कर लें, हम उस पर सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, यानी उस पर बैठ भी जाएंगे। अब ये बताओ कि छंग का अर्थ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि छंग पीकर, वो छंग का मतलब क्या है, एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में बता रखा है कि सुमति और लेखक दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठ गए हैं, अपने अपने मतलब जो भी उन्होंने घोड़ा किया है, किराया दिया है उसका, वो अपने घोड़े पर बैठे और चल पड़े। अब स्थिति यह थी कि जो सुमति को घोड़ा मिला था वो थोड़ा अच्छा था, यानी दुरुस्त था, थोड़ा अच्छा चल रहा था, स्पीड पकड़ रखी थी। दूसरी तरफ जो लेखक को घोड़ा मिला था वो थोड़ा सुस्त सा था, थका थका सा था। तो अब परिणाम ये हुआ कि सुमति तो बहुत आगे निकल गया
और जो लेखक था वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था तो वो पीछे रह गया। अब आगे चलकर दो रास्ते निकल रहे थे। अब लेखक को पता नहीं कि इस रास्ते जाना है या इस रास्ते, तो वो कोई एक रास्ता पकड़कर आगे निकल गया, उसी घोड़े पर बैठा हुआ आगे चल पड़ा। अब स्थिति ये हुई कि जब वो 1.5 किलोमीटर के लगभग चला गया, तब उसे पता चला, शायद इससे भी ज्यादा चला गया था, तो तब उसे पता चला कि ये तो गलत रास्ता है। अब वो वापस आया और सही रास्ते पर चला। सही रास्ते पर जाने के बाद जब वो वहां पर पहुंचा जहां उसे पहुंचना था, सुमति इतना गुस्से में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। अब जब लेखक वहां पहुंचा तो सुमति उस पर बरस पड़ा कि मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, चाय को 3-3 बार गर्म करके पी लिया, मतलब इतना कुछ सुनाया उसको। तब लेखक ने उसको सारी बात बताई और फिर उसका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, यानी चढ़ाई की तरफ। डांडे से पहले एक जगह चाय भी पी थी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे थे। हम समुद्र तल से 17,000-18,000 फीट ऊंचे खड़े थे, यानी बहुत ऊंचाई पर खड़े हुए, यानी बहुत ठंड भी थी वहां। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण साउथ डायरेक्शन, दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी समझ गए होगे कि हिमालय था वहां, हिमालय पर्वत थे और वहां पर श्वेत शिखर, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। भीटे की ओर, भीटा मतलब एक जगह का नाम है, भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी ना तो वहां पर कोई पेड़ था उस पर, ना ही कुछ और वनस्पति थी, न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी, यानी बर्फ तो थी लेकिन थोड़ी कम बर्फ थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, एक बहुत ऊंची जगह थी, वहां पर एक देवता का मंदिर सा, या यूं कह लो कि देवता का एक स्थान बना हुआ था, जो पत्थरों के ढेर, किस तरह से बना हुआ था वो आगे लिखा हुआ है, जो पत्थरों के ढेर से बना हुआ था, जानवरों के सींगों से बना हुआ था और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब चढ़ाई तो हो गई थी, अब उतराई, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, उसको अच्छी तरह याद नहीं है, तो उसको याद आ रहा है कि शायद 2-3 साथी और भी थे हमारे साथ। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक कस्तो की तरह, डॉन क्विक कस्तो कौन है, दरअसल एक उपन्यास है शायद स्पेनिश का, तो वहां का जो उपन्यास में एक कैरेक्टर है वो उसका नाम है डॉन क्विक कस्तो। अब वो भी ऐसा ही करता है। वो कैरेक्टर की क्या खास बात थी, उस कैरेक्टर की खास बात थी कि वो भी घोड़े पर सवार होकर मस्त से इधर उधर बिल्कुल रिलैक्स होकर आता है। तो वैसे ही वो लेखक अपने आप की तुलना उसकी तुलना अपने आप से कर रहा है, कहता है कि और मैं डॉन क्विक कस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा या पीछे, मतलब पता भी नहीं चला, इतना ही धीरे चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया, मतलब बहुत आगे निकल गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, यानी दूसरे वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, उस मतलब पहुंचने वाला था, उससे पहले ही सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, मंगोल एक तरह की जाति है, ठीक है, मंगोलों का जो मुंह है वो वैसे ही लाल होता है, ऐसा लेखक कह रहा है। सुमति दरअसल उसी जाति का है, तो उनका मुंह वैसे ही लाल होता है और उस टाइम तो वो गुस्से से और भी लाल थे, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे मतलब, कंडे का मतलब होता है गोबर से बने हुए उपले, गोबर को सुखा कर उपले बनाए जाते हैं, उसी से वो आग जलाकर वो सेक रहे थे अपने आप को। तो मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे, यहां भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान का मतलब एक जान पहचान के लोग, जो उसके अच्छे जान पहचान के लोग थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा दरअसल नेपाल और तिब्बत साइड की बहुत फेमस डिश है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कुछ इस तरह की डिश होती है। अब बच्चों, अभी अभी मैंने समुद्र तल से ऊंचाई बताई थी, याद रख पाए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताया पहले आप सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ूं तो आपको और अच्छे समझ में आए। अब इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि
अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो सुमति के अच्छे जान पहचान वाले भी लोग मिल रहे थे और सुमति जानबूझकर भी वहां वहां जा रहे थे जहां उनके यजमान हैं या जहां जहां उनके जान पहचान वाले हैं, वहां उनको गंडे दे रहे थे। गंडे क्या है? दरअसल एक तरह का ताबीज है। कैसे? कि वो कैसे बनता है? दरअसल वो एक कपड़ा लेते हैं, सुमति ही बनाते हैं ये, वो एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े की चीरी पाड़ देते हैं, मतलब चीरी का मतलब उसको चीर देते हैं, एक स्ट्रिप काट लेते हैं या फाड़ लेते हैं, स्ट्रिप को वो गांठ लगा देते हैं और उस पर थोड़ा मंत्र डालते हैं, यानी मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो एक ताबीज बन जाता है। उस ताबीज को वो अपने यजमानों में देते हैं और उसके बदले वो थोड़ा दक्षिणा देते हैं या पैसा देते हैं। तो सुमति उन गंडों को सबको बांट रहे थे, सबको दे रहे थे, अपने अपने यजमानों को, यानी अपने अपने जान पहचान वालों को। सुमति एक गांव में जाना चाहते थे लेकिन लेखक ने उसको रोक दिया। लेखक को लगा कि वहां अगर उस गांव में, यानी उसके कुछ जान पहचान के लोग थे सुमति के, तो वहां पर वो जाना चाह रहे थे। लेखक ने इसीलिए रोका कि अगर ये चले गए तो हफ्ता 10 दिन तो वहां चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, जितने भी गंडे हैं जो वहां देने हैं वो आप मुझे दे दो, मैं इसके बदले में आपको पैसा दे दूंगा, है ना। तो सुमति ने इस बात को स्वीकार किया। ऐसा ही कुछ इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा, यानी चारों तरफ पहाड़ थे और वहां पर मैदान था जहां हम खड़े थे। पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी पत्ती, चीरी मैंने बताया था ना, कपड़े की चीरी को करके यानी कि स्ट्रिप बनाकर बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े, बोध गया एक स्थान का नाम है, बोध गया से लाए हुए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से, यानी किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे वो। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मतलब जहां हम रास्ते में जा रहे हैं उन्हीं रास्तों में बांटते हुए चलो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब भार उठाने वाला, ऐसा मतलब जो उनका वजन उठा ले, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए। तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई मिला ही नहीं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, क्योंकि सुबह सुबह ठंड का मौसम था, धूप नहीं थी। अब 10-11 बजे जो तेज धूप पर चलना पड़ रहा था वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी, बहुत तेज थी। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर ढांक ले, मतलब अगर सिर को ढक ले तो काफी हद तक उस धूप से बचा भी जा सकता था, तो गर्मी खत्म भी हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की मुंह करके और चल रहे हो, मतलब 2 बजे की जो सूरज सिर पर आ रहा है, बिल्कुल सामने से पड़ रहा है, ललाट धूप से जल रहा है, ललाट होता है ये माथा, माथा धूप से जल रहा होता है और पीछे से कंधा बर्फ हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि पीछे धूप नहीं पड़ रही, वहां वैसे ठंड है लेकिन धूप की वजह से वो माथा गर्म कर देती है और जो पीठ होती है वो ठंडी रह जाती है। तो ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ उसको कि ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, मतलब थोड़ा दूर से घूम कर जाने के लिए कहा। अब आगे क्या लिखा है वो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात है। क्या? कि वहां की जो जमीन है वो ज्यादातर जागीरदारों के हाथ में है, यानी कि जमींदारों के हाथ में ही है, और बहुत सा हिस्सा मंदिरों के हाथ में भी है, मठों के हाथ में, मठ एक तरह के मंदिर ही होते हैं। अब जो जमीन जागीरों के हाथ में यानी जमींदारों के हाथ में है वो अब खुद भी खेती करते हैं अपनी ही जमीन पर। अब खेती करने का भी एक तरीका है उनका, क्या? सुनो ध्यान से, खेती करते हैं लेकिन खेती के लिए मजदूर ले आते हैं, मजदूर जो बिना पैसों के मिल जाते हैं वहां पर। क्यों? कैसे बिना पैसों के मिल जाते हैं? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गरीबी है, तो जो मजदूर आते हैं वो सिर्फ रोटी के बदले में या 2 वक्त के खाने के बदले में उनकी मजदूरी कर देते हैं, यानी बहुत सा काम कर देते हैं उनके खेतों का। अब ऐसे मजदूर जो बिना पैसों के काम कर रहे हैं तो जमींदार उन्हीं को ही लगाए रहते हैं अपने खेतों में। वहां पर खेती का काम देखने के लिए यानी ऑब्जर्वेशन के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं। भिक्षु का मतलब एक तरह के भिखारी वहां पर जो उनके अंडर में ही है, तो वो भिक्षुओं को भेजते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन लेके आओ कि काम ठीक चल रहा है या नहीं। अब जब भिक्षु वहां जाता है तो वो किसी राजा से कम नहीं होता है, वो भिखारी लेकिन वो राजा से कम नहीं है। किसके लिए? वहां पर काम कर रहे मजदूरों के लिए, क्योंकि उनके मालिक ने ही उस भिक्षु को भेजा है, तो वो राजा से कम नहीं होता उनके लिए। एक तो ये बात थी, दूसरा कि जब वो शेखर विहार में पहुंचे तो वहां की जो खेती के जो भिक्षु थे यानी ऑब्जर्वेशन देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो भिक्षु थे, उनका नाम था नमसे। नमसे लेखक से
और लेखक के दोस्त यानी सुमति से बहुत प्यार से मिले, बहुत अच्छे तरीके से मिले। हालांकि लेखक को लगता है कि हमारी इतनी अच्छी वेशभूषा थी नहीं जितने प्यार से वो मिले, लेकिन उनका स्वभाव इतना अच्छा था। थोड़ी देर बाद उस भिक्षु यानी नमसे से वो विदा लेते हैं लेखक और सुमति। वहां पर ही एक मंदिर दिखता है। मंदिर में एक बहुत 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 बड़ी बड़ी बुक्स रखी हुई थी, वो कह लो या पोथी कह लो, जो पुराने जमाने की बुद्ध वचन थे उसमें। वो इतनी बड़ी बुक थी, उसका जो वेट था वो 15-15 सेर था, यानी 15 किलो से भी ज्यादा था। 15 किलो का जो वजन रखने वाली बुक थी उसको लेकर लेखक बड़ा आकर्षित हुआ, क्योंकि उसको पढ़ने का शौक है, तो वो पढ़ना चाहता था उन सभी बुक्स को। तो लेखक का जो दोस्त था सुमति, जो इधर उधर के गांवों में जाना चाहता था, तो लेखक ने सुमति ने एक बार फिर पूछा कि क्या वहां हम जाएं या मैं चला जाऊं, तुम यहां पर बैठोगे आराम से थोड़े दिन। तो उसने हां कर दी, जो अभी तक लेखक मना कर रहे थे कि वहां मत जाओ, कंडे यहीं पर बांट दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि तुम चले जाओ आराम से आना। उसका रीजन सिर्फ यही था कि उसको अब बुक्स मिल गई थी, वो बुक्स को वो पढ़ना चाहता था। लेकिन जितना टाइम लेखक ने सोचा था कि सुमति वहां पर रहकर आएंगे, उससे कहीं ज्यादा टाइम पहले ही वो आ गए। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जागीरदार मतलब जमींदारों। इन जागीरों यानी इन जमीनों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों, या दूसरे आसान शब्दों में कहूं तो मंदिरों में, मंदिर के हाथ में है, यानी मंदिर का वो हिस्सा है। अपनी अपनी जागीर यानी अपनी अपनी जमीन में हर एक जागीरदार, हर एक जमींदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में ही मिल जाते हैं। बेगार मतलब बिना वेतन के, यानी बस खाना वगैरह देकर ही काम चल जाता है उनका। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, एक तरह का ऑब्जर्वर होता है, जो जागीर के आदमियों के लिए यानी मजदूरों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी जिनका नाम था नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत जेंटलमैन थे। भद्र पुरुष का इंग्लिश में जेंटलमैन कहते हैं। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, मतलब इतना प्रेम से भी मिलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा वेशभूषा ही ऐसी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। यहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर कहते हैं उन बुक्स को, बुद्ध वचन अनुवाद यानी बुद्ध वचन का अनुवाद था उसमें, कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, 103 यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। मेरा आसन भी वहीं लगा था, मैं वहीं पर ही बैठा था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा कि मैं यहां आसपास चला जाऊं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब मेरा तो मन वहीं पर रम चुका था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए, यानी जल्दी ही वापिस आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, अगर आपको लग रहा है ये पाठ खत्म हो गया है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी इस पाठ के आपको क्या क्या करना है, इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें भी आपको करनी है। लेकिन इस सारी चीजों का लिंक आपको कहां मिलेगा, इस सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे ऊपर मिल जाएगा। नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझा है। तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसने कितने आंसर ठीक किए। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए थाने, ऑप्शन बी डांडे, ऑप्शन सी ढाड़े, ऑप्शन डी ढाड़े। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है आपका बी ढांडे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक जहां से गलत रास्ते पर चला गया वहां कितने रास्ते फूट रहे थे। आसान सा प्रश्न है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए 4, B 5, C 3, D 2। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है 2। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मंगोलों का मुंह कैसा होता है। मंगोलों का मुंह कैसा होता है, आपके ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी सांवला, डी सफेद। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था, ध्यान से उत्तर देना बच्चों। आपके ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। 5, 4, 3, 2, 1
0 बच्चों सही उत्तर है 3। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया।